आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। राजस्थान में मिले 131 नए कोरोना पॉजिटिव, 3 की मौत, तो डूंगरपुर में सबसे अधिक संक्रमित मरीज। राजस्थान में गुरुवार दोपहर तक 131 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों के मरीजों की संख्या बढ़कर 6146 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में 3 मौतें दर्ज हुई हैं आज। वही आज दोपहर तक सबसे ज़्यादा मरीज डूंगरपुर जिले से सामने आए, यहाँ पर 33 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार डूंगरपुर में 33 और अजमेर से 2, अलवर में 4 और बाड़मेर में 2, भीलवाड़ा में 2, बीकानेर में 6 और जयपुर से 10 मामले सामने आए हैं। वही बात करें जैसलमेर की तो यहाँ से 2 मामले सामने आए, जालौर से 22 और झालावाड़ से 1 मामला सामने आया है। वही झुंझुनू से 2 और जोधपुर से 3 और कोटा से 2 और नागौर से 8 और राजसमंद से 7 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वही सीकर से 4, सिरोही से 7, उदयपुर से 13 पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके अलावा दूसरे राज्यों के निवासी 1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई। इधर दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों में अब तक 1099 प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। वही बीकानेर में सुनारो की गावड़ी निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति के संपर्क में 6 लोगों को और पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ ही सभी मृतक के रिश्तेदार हैं। इन पॉजिटिव में 82 वर्षीय महिला और 43 वर्षीय महिला और 31 वर्षीय महिला और 22 वर्षीय युवती और 18 वर्षीय युवक और 1-7 साल की बच्ची भी शामिल है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एल मीणा ने बताया कि बुधवार को 240 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ये सभी पॉजिटिव से पहले क्वारंटाइन में है। वही देर रात आई रिपोर्ट में बीकानेर के अक्सरा से युवक सहित चूरू के 2 मरीज की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक अजमेर में 268 मामले कोरोना के आ चुके हैं, अलवर में 40, बांसवाड़ा से 75 और 12 से 5 और बाड़मेर से 52, भरतपुर से 129, भीलवाड़ा से 84 और बीकानेर से 71 और चित्तौड़गढ़ से 167 और चूरू से 52 और दूसरा जिला से 39 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। वहीं धौलपुर जिले की बात करें तो यहां पर 28 मामले सामने आ चुके हैं। डूंगरपुर से 267 और गंगानगर से 1 मामला सामने आया है। वहीं हनुमानगढ़ से 14, जयपुर से 1675, जालौर से 30 और झुंझुनू से यहां पर 71 मामले सामने आए। वहीं झालावाड़ से 52 और जोधपुर से 31, करौली से 10, कोटा से 340, नागौर से 221, पाली से 217 और प्रतापगढ़ से 7 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजसमंद जिले की बात करें तो यहां पर अभी तक 68 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। सवाई माधोपुर से 17 और सिरोही से 77 मामले सामने आए हैं। वहीं सीकर जिले की बात करें तो यहां पर 78 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोटटोंक से 156, उदयपुर से 433 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। विशेष बसों के जरिए श्रमिकों को भेजा जा रहा है राजस्थान, जांच के बाद किया जा रहा है रवाना। राजस्थान सरकार ने दिल्ली में फंसे हुए प्रवासियों को राजस्थानियों को स्पेशल श्रमिक बसों से ले जाने की व्यवस्था की है। श्रमिकों को निःशुल्क उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही इन सभी श्रमिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग, खाने पीने की व्यवस्था, बिस्किट आदि की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। राजस्थान फाउंडेशन ऑफ आयुक्त धीरज श्रीवास्तव द्वारा की गई ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इन राज्यों से सहमति प्राप्त करने के बाद स्पेशल श्रमिक बसों द्वारा मजदूरों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है ताकि कोई मजदूर पैदल न चले। धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली में फंसे हुए प्रवासी राजस्थानियों श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार ने 100 बसें लगाई है। इन्होंने बताया कि जिन लोगों ने राजस्थान सरकार के ई मित्र पोर्टल पर राज्य में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सभी को फोन करके प्राथमिकता के आधार पर सूचित किया जा रहा है, साथ ही बसों से राजस्थानियों को रवाना किया जा रहा है। धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान जाने वाले प्रवासी श्रमिकों से अपील है कि वे परेशान ना हो, एक हफ्ते के भीतर राज्य सरकार उन्हें अपने घर स्थान तक पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि प्रवासियों को बिना किसी सूचना और मैसेज के इधर उधर किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही व्यवस्था होगी रजिस्ट्रेड श्रमिक को उनके मोबाइल पर सूचित किया जाएगा ताकि व्यवस्थित रूप से अपने श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचा सके। वहीं सेंट्रल दिल्ली जिला कलेक्टर निधि श्रीवास्तव और असिस्टेंट कमिश्नर दिलकुश मीणा ने सेंट्रल दिल्ली जिला अधिकारी कार्यालय से प्रवासी राजस्थानी मजदूरों को बस में बैठा कर रवाना किया। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें श्रमिकों को निःशुल्क राजस्थान भेजने की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार प्रवासी श्रमिकों को इन बसों से राजस्थान भेजने में गहलोत सरकार का हर संभव सहयोग करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड संस्कृत एजुकेशन लोन TSP परीक्षा 2018 और परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट
rpsc.rajasthan.gov.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं। ऐसे में परीक्षा का रिजल्ट के आस लगाए तमाम अभ्यर्थियों के लिए लॉकडाउन के बीच राहत भरी खबर है। दरियाल एक तरफ जहां लॉकडाउन की वजह से तमाम शैक्षणिक गतिविधियां बंद हैं, मार्च से ही कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था गया था, वही तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया था। इसके साथ साथ कई रिजल्ट को भी टाल दिया गया। ऐसे में परिस्थितियों में आयोग की तरफ से परीक्षा परिणाम जारी करना युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि अब धीरे धीरे शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होने लगी है, जिसे तमाम संस्थानों अभी ऑनलाइन कला कक्षा का सहारा ले रहे हैं। वहीं CBSE समेत कुछ राज्यों ने अभी बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को भी कराने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि CBSE ने घोषणा की है कि वे बची हुई परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित करेगा। इसके अलावा गोवा में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह कल यानी 19 मई से 12वीं की और आज यानी 20 मई से 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। इसी तरह धीरे धीरे शैक्षणिक गतिविधियां भी आगे बढ़ाई जा रही है। अब दूरदर्शन से पढ़ेंगे राजस्थान के स्टूडेंट्स शिक्षक लेंगे फीडबैक। राजस्थान के करीब 80 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि 1 जून से प्रदेश के विद्यार्थी रेडियो के साथ साथ दूरदर्शन पर भी पढ़ाई कर सकेंगे। दूरदर्शन ने शिक्षा विभाग को न्यूनतम शुल्क के साथ स्लॉट आवंटित कर दिया है। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि रेडियो की तरह दूरदर्शन पर भी विद्यार्थियों को नियमित क्लासें लगेगी। नए सिलेबस के आधार पर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विभाग ने वीडियो कंटेंट लगभग तैयार कर लिया है। विभाग की सभी कक्षाओं के हिसाब से समय सारणी बनाने में जुट गया है। दूरदर्शन की ओर से विद्यार्थियों की कई कक्षाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क समय भी दिया गया है। अन्य कक्षाओं के लिए भी छूट के साथ साथ न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने दोनों शर्तों पर सहमति जताते हुए MOU पर साइन कर दिया है। वहीं दूरदर्शन की ओर से शिक्षण सामग्री वीडियो सहित मांगी है, इसी पर विभाग ने 25 मई तक का समय दिया है। विभाग की ओर से पढ़ाई को लेकर नवाचार करने के बाद अब शिक्षकों को अभिभावकों से संवाद स्थापित करने के लिए फीडबैक देने की योजना भी बनाई है। अभिभावकों के सुझाव के आधार पर ई कंटेंट में बदलाव किया जा सकेगा। वही विभाग ने सबसे पहले स्माइल ऐप से पढ़ाई शुरू कराई थी। इसके बाद कई गांव ठाणियों में इंटरनेट व कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण इस ऐप के जरिए पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। फिर रेडियो पर निःशुल्क स्लॉट लेकर पढ़ाई शुरू करवाई थी। अब दूरदर्शन पर स्कूली बच्चों की पढ़ाई होगी। वही कोरोना की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना होने दी जाएगी। अब विद्यार्थियों के पास मोबाइल से पढ़ाई करने को लेकर TV व रेडियो की पढ़ाई करने का विकल्प भी उपलब्ध है। लॉकडाउन की वजह से विभाग को नई नई राह मिली है। गर्मियों की छुट्टियों के पर भी पढ़ाई लगातार जारी रहेगी, ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है। 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों में राजस्थान के लिए 1.5 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें। राजस्थान और देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच जनता के लिए खुशखबरी यह है कि आगामी 25 मई से जहां घरेलू उड़ानें शुरू होगी, वहीं 1 जून से ट्रेनों के जरिए आवागमन शुरू होगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार देश भर में लॉकडाउन के चौथे फेज के शुरू होने के साथ साथ ही 200 ट्रेनों के जरिए इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें नॉन AC दूरियां अलावा जनशताब्दी ट्रेनों को चलाने का निर्णय भी लिया गया था। कोरोना संक्रमण के कारण जनता को सफर कराने के लिए अब जनरल कोच भी रिजर्वेशन करवाना होगा। साथ ही AC और नॉन AC जैसी श्रेणी वाले दोनों कैटेगरीज में शुरू हुई ट्रेनों को जनरल कोच में अब सेकेंड सीटिंग का किराया देना होगा। रेलवे का कहना है कि सभी टिकट सिर्फ IRTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ही बुक होंगे। साथ ही स्क्रीनिंग के बाद यात्री को यात्रा का अनुमति मिलेगी। वहीं रेलवे की ओर से 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में राजस्थान से लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों की जानकारी मिली है। एक रिपोर्ट के जरिए राजस्थान में कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी, कहाँ से चलेगी, जिसकी वेबसाइट पर दी गई है। वहीं रेलवे की ओर से जारी की गई लिस्ट में राजस्थान में लगभग 20 ट्रेनों का आवागमन की जानकारी मिली है। इसमें जोधपुर से 8 ट्रेनें और जयपुर से 4 ट्रेनें, कोटा से 2 और बीकानेर से 2 और अजमेर से 2 ट्रेनें की शुरुआत होगी। वह उदयपुर से 2 ट्रेनें की शुरुआत होगी। इसमें अधिकतर ट्रेन ऐसी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर दोबारा उसी स्थान पर पहले स्थान आकर यात्रियों को उनके घर पहुंचाएगी, यानी ये वेयर ट्रेन है। रेलवे ने बताया कि स्टेशनों पर खाने पीने सहित अन्य स्टॉल भी खुलेंगे। राजस्थान में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 57% CM अशोक गहलोत बोले, ये बहुत ही संतोष की बात है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों की 57% रिकवरी दर से साथ देश में मरीजों की ठीक होने के मामलों में टॉप पर राजस्थान है। ये बहुत ही संतोष की बात है। अशोक गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट करके ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों में 57% ठीक होने की दर के साथ साथ राज्य अभी शीर्ष पर है। हमारे यहाँ डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत और सहयोग से मरीजों की इच्छा शक्ति के ये सब कर इनके कारण हुआ है। गौरतलब के राज्य में कोरोना वायरस ने बूंदी जिले को छोड़कर सभी जिलों में अपने पैर पसार दिए हैं और अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 से भी अधिक हो गई। हालांकि मरीजों के ठीक होने की दर अच्छी होने से अब तक करीब 3,500 मरीज ठीक भी हो गए हैं। इनमें लगभग 90% मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राज्य में अब तक इसके सर्वाधिक मामले करीब 1700 मामले जयपुर से सामने आए हैं, जबकि जोधपुर से 1100 और मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जयपुर में 1000 से अधिक और वहीं जोधपुर में लगभग 850 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 150 लोगों की मौत हो चुकी है।